हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चेतना चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। प्राचीन भारत में स्थापत्य कला से संबंधित पहला एक वीडियो अपलोड हो चुका है, ये दूसरा वीडियो है, तो इसमें जो बच गए थे क्वेश्चन उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, यहाँ पर दो सूचियाँ हैं और उसका मिलान करना है। हम्पी हम्पी का मिलान करेंगे, यहाँ पर हम्पी का मिलान करेंगे कर्नाटक से। नागार्जुनी कोंडा का मिलान करेंगे आंध्र प्रदेश से। शिशुपालगढ़ का मिलान करेंगे उड़ीसा से। अरिकामेडु का पांडिचेरी। तो इस हिसाब से ए ऑप्शन ही हमारा यहाँ पर सही है। तो हम्पी का कर्नाटक, नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश, शिशुपालगढ़ उड़ीसा और अरिकामेडु जो है पांडिचेरी। तो यहाँ पर ये सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो यहाँ पर कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो है नरसिंहदेव बर्मन ने बनवाया था। पुरी में स्थित है उड़ीसा में। कोणार्क का विशाल सूर्य देव का मंदिर नरसिंहदेव प्रथम ने चोंड गंग ने बनवाया था। यह मंदिर 13वीं शताब्दी का है तथा यह अपनी विशिष्ट शैली के लिए प्रसिद्ध है। अगला है, निम्नलिखित में से किसे काला या श्याम पगोड़ा के नाम से जाना जाता है? तो श्याम पगोड़ा के नाम से इसी को जाना जाता है, कोणार्क का सूर्य मंदिर। ब्लैक पगोड़ा पगोड़ा तो वही कोणार्क को ही कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य मंदिर है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। मुढ़ेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में है? तो मुढ़ेरा का जो सूर्य मंदिर है वो है गुजरात में। गुजरात में मुढ़ेरा का सूर्य मंदिर, गुजरात में मुढ़ेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में स्थित है। इसका निर्माण जो है सोलंकी वंश के राजा भीमदेव द्वारा 1226 में करवाया गया था। अगला, निम्नलिखित सूर्य मंदिरों में से कौन सा पाटन गुजरात में स्थित है? तो वही मोढ़ेरा जो है वो स्थित है। अगला है, लिंगराज मंदिर स्थित है, तो भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर जो है वो यहाँ पर फेमस है। इसकी व्याख्या देखते हैं। लिंगराज मंदिर उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है। इस मंदिर की शैली नागर है, ये आर्य नागर शैली का सर्वोत्तम मंदिर है। लिंगराज मंदिर का सबसे आकर्षक भाग इसका शिखर है जिसकी ऊंचाई 180 फीट है। तो ये भुवनेश्वर का नागर शैली में निर्मित है। अगला देखते हैं, उड़ीसा में नष्ट होने से बचे निम्नलिखित मंदिरों में सर्वाधिक बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर कौन है? तो ये है लिंगराज मंदिर। अगला है, उड़ीसा के नष्ट होने से बचे प्रश्नगत मंदिरों में सर्वाधिक बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर लिंगराज मंदिर है जो 180 फीट ऊंचा है। इसके शिखर पर अमलक और कलश, चूंकि ये नागर शैली का है तो अमलक और कलश जो है होना इसमें अनिवार्य है। जिसके जगमोहन की छत पिरामिड के आकार की, लिंगराज मंदिर शुद्ध नागर शैली का है। तो नागर शैली में जो है अमलक यानी कि इस तरह से बना होता है तो उसको अमलक कहते हैं और फिर उसके ऊपर जो है कलश निर्धारित होता है। अगला है, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो जगन्नाथ मंदिर जो है उड़ीसा में स्थित है। जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में स्थित है। इस राज्य में प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर तथा कोणार्क में सूर्य मंदिर पुरी स्थित है। ये सभी मंदिर जो बने हैं वो नागर शैली के हैं। अगला क्वेश्चन है, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली के हैं? तो वो है नागर शैली के। अगला है, अंकोरवाट मंदिर विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर जो हो जाएगा सी ऑप्शन, कंबोडिया का है अंकोरवाट मंदिर। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर व्याख्या देखते हैं, अंकोरवाट मंदिर समूह का निर्माण कंपुचिया वर्तमान कंबोडिया के शासक सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में अपनी राजधानी यशोधरापुर यानी वर्तमान ओंकार अंगकोर में कराया था। विष्णु को समर्पित देवर शैली में बना यह मंदिर विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर पर्वत है। तो अंकोरवाट का मंदिर जो है तो उसको शिव से नहीं जोड़ना है, ये विष्णु मंदिर है और द्रविड़ शैली का है और ये कहाँ पर है? कंबोडिया में। ये कुछ चीजें हैं जो याद रखना है। और ये मंदिर है विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है।
अंकोरवाट मंदिर समूह किस देश में स्थित है? तो ये हो जाएगा कंपूचिया। बोरोबुदुर स्तूप कहाँ है? तो ये है जावा में, जावा का बोरोबुदुर स्तूप। बोरोबुदुर का प्रख्यात स्तूप इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित है। यह एक यूनेस्को द्वारा विश्व मान्य विश्व स्थल है, यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अगला क्वेश्चन है, कौन से बृहत मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन सेकंड के राज्यकाल के दौरान हुए? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है अंकोरवाट। ये निर्माणकर्ता जो है सूर्यवर्मन सेकंड है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको याद करके हमें रखना है। कंबोडिया के नगर अंकोर में विष्णु को समर्पित अंकोरवाट मंदिर 1113 से 1150 ईस्वी के दौरान निर्माण इसका हुआ था। इसी काल यहाँ के शासक सूर्यवर्मन द्वितीय का भी रहा है। तो अंकोरवाट मंदिर यूनेस्को की धरोहर सूची में भी शामिल है। अगला क्वेश्चन है, द्रविड़ शैली में मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है? तो जो गोपुरम है वहां है तोरण के ऊपर के बने अलंकृत तथा बहुमंजिला भवन। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। पांडवों के राज्य काल में से द्रविड़ शैली पनपती है। पांडे काल में मंदिर छोटे होते थे, किंतु उनके प्रांगण जो है वो चारों ओर अनेक प्राचीर बनाई जाती थी। ये प्राचीर तो समान होते थे, परंतु इनके प्रवेश द्वार जिन्हें गोपुरम, यानी कि जब मंदिर का जो प्रवेश द्वार है तो उसमें जो तोरण होते थे, तोरण मतलब ऊपर का जो भाग है उसको तोरण बोलते थे, डिजाइन में होता था, तो इनको वहां पर गोपुरम कहा जाता था। भव्य एवं विशाल एवं प्रचुर मात्रा में शिल्पकारी अलंकृत होते थे। पांड्यकालीन वास्तुकला की विशेषता मंदिर नहीं अपितु गोपुरम है। तो ये भी हमें याद रखना है कि पांड्यकाल में वास्तुकला के मंदिर इम्पोर्टेंट होने से ज्यादा जो गोपुरम है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट होते थे। अगला है, चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? तो महाबलीपुरम जो है वो पल्लवों द्वारा बनवाया गया था। पल्लव कला जो है राज सिंह शैली, जिसका प्रारंभ नरसिंह वर्मन द्वितीय राज सिंह ने किया था। इसके तीन मंदिर महाबलीपुरम से प्राप्त होते हैं, शौर मंदिर, तटीय शिव मंदिर, ईश्वर मंदिर, मुकुंद मंदिर। शौर मंदिर इस शैली का प्रथम उदाहरण है। तो मंदिर भी हमें याद रखने, तीन मंदिर हैं महाबलीपुरम में से, शोर, ईश्वर और मुकुंद। शोर, ईश्वर, मुकुंद, यह है। तो शोर जो है वो सबसे प्रथम उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण करवाया था? तो महाबलीपुरम मतलब पल्लवों से है। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण पल्लव शासक द्वारा करवाया गया था। रथ मंदिर एकाश्म पत्थर से निर्मित है। महाबलीपुरम का सत्य सप्तरथ मंदिर बनवाया था, सप्तरथ मंदिर बनवाया था, तो वो है नरसिंह वर्मन द्वारा। अगला है, इसकी व्याख्या देखते हैं। पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम 630 से 600 अड़सठ 630 से 668 ईस्वी के समय में मामल शैली का विकास हुआ। इसके अंतर्गत दो प्रकार के स्मारक बने, मंडप तथा एकाश मंदिर, जिन्हें रथ मंदिर कहते हैं। मामलपुरम महाबलीपुरम में इस शैली के सभी स्मारक स्थित हैं। सप्तरथ मंदिर नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा बनवाया गया था। इसे रथों को सप्त पगोड़ा कहते हैं। एक ब्लैक पगोड़ा भी है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था, जो उड़ीसा में है। अगला है, कोणार्क का सूर्य मंदिर को ही ब्लैक पगोड़ा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो महाबलीपुरम का जो रथ मंदिर है वो करवाया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने। अगला है, मामलपुरम में रथ स्मारकों के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? तो इसका आंसर हो जाएगा पल्लव, बी ऑप्शन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा रथ मंदिर सबसे छोटा है? तो द्रौपदी वाला जो है वो सबसे छोटा है।
ए ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर व्याख्या देखते हैं, पल्लव कालीन मामल्ल शैली में बने रथों या एकाश मंदिर में द्रौपदी रथ सबसे छोटा है, इसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता है, यह सिंह एवं हाथी जैसे पशुओं के आकार पर टिका हुआ है। अगला क्वेश्चन है, सूचियां दी गई हैं और उसका मिलान करना है, तो यहाँ पर तो सांची जो है, सांची का स्तूप है, खजुराहो जो है वो वहां पर मंदिर है, एलिफेंटा में गुफा, एलिफेंटा की गुफा, और श्रवण बेल गोला मूर्ति। तो 3-4, 3-4-2-1, 3-4-2-1, तो बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सही हो जाता है। अगला है एली, इसकी व्याख्या देखते हैं, एलिफेंटा महाराष्ट्र में स्थित है, जहाँ 5वीं-6वीं शती में 5 गुफाएं हैं। श्रवण बेल गोला कर्नाटक में स्थित है, जहाँ गोमतेश्वर की प्रसिद्ध मूर्ति का निर्माण चामुंडा राय ने कराया था। तो कभी एग्जाम में पूछा जाए गोमतेश्वर की प्रसिद्ध मूर्ति का निर्माण किसने कराया था, तो आंसर हो जाएगा चामुंडा राय। अगला है, यहाँ पर खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश में है, ये चंदेल शासकों द्वारा निर्मित किए गए थे और ये नागर शैली में बने हुए हैं, और यहाँ पर बौद्ध को छोड़कर जो अन्य धर्म हैं जैसे कि हिंदू, शाक्त और जैन धर्म, इनके सारे मंदिर यहाँ पर देखने को मिलते हैं। सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था, यह मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक स्थल है और दूसरी तरफ राज्य है, तो सूचियां दी गई हैं, इसका मिलान करना है। भीमबेटका जो है, भीमबेटका मध्य प्रदेश, हम्पी भीमबेटका मध्य प्रदेश, शेर टेम्पल जो है वो है तमिलनाडु, हम्पी जो है कर्नाटक, मानस जो है वो हो जाएगा असम। तो इस हिसाब से जो बी ऑप्शन है वो यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर जो हमें नया मिलता है शेर टेम्पल, ओह शोर टॉम, शोर है यहाँ पर, शोर टेम्पल जो अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था वो है तमिलनाडु में, और हम्पी तो कर्नाटक में, और एक ये भी नया है मानस, मानस कहाँ पर है, तो वो है असम में। निम्नांकित जोड़ों में से किसका सुमेल है, यानी कि यहाँ पर ये बताना है कि जो सुमेलित है वो कौन सा है। तो खजुराहो मंदिर जो है चंदेलों ने बनवाया था, ये यहाँ पर सही है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन ही सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं, एलोरा आधुनिक महाराष्ट्र के औरंगा बाद के लगभग 30 किलोमीटर पश्चिम उत्तर में स्थित है, यह शैलकृत गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। ये गुफाएं विभिन्न कालों में बनी हैं, किंतु शकों से इसका कोई संबंध नहीं है। मीनाक्षी मंदिर पांड्यों द्वारा तथा महाबलीपुरम के मंदिर पल्लव शासकों द्वारा निर्मित किए गए हैं। खजुराहो मंदिरों की स्थापना चंदेलों ने की थी, अतः जो सी है वो यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूचियां दी गई हैं, उसका मिलान करना है। दिलवाड़ा का मिलान करेंगे जैन मंदिर से, सारनाथ का है तो ये बुद्ध का शांति का प्रथम प्रवचन स्थल, बद्रीनाथ जो है, अब यहाँ से 3 और 1, 3 और 1, तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो अगर हमें 2 भी आते हैं तब भी हम इसका सही कर लेंगे। तो देखते हैं, बैजनाथ का मिलान है शिव मंदिर से, बैजनाथ शिव मंदिर, सारनाथ का हमने देखा था तीसरे से, दिलवाड़ा का देखा था जैन मंदिर, और बद्रीनाथ का है विष्णु मंदिर। तो यहाँ पर देखते हैं, सारनाथ वाराणसी में महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम 5 शिष्यों को उपदेश दिया था। इस घटना को बौद्ध साहित्य में धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। आबू राजस्थान दिलवाड़ा के जैन मंदिर अपनी नक्काशी एवं सुंदर मीनाकारी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ये 12वीं से 13वीं शताब्दी के मंदिर हैं। बद्रिकाश्रम यानी बद्रीनाथ में शंकराचार्य ने चतुर्भुजी विष्णु प्रतिमा की स्थापना करके ज्योतिर्मठ की स्थापना की थी। बैजनाथ धाम ने भगवान शंकर का मंदिर है। अगला है, सुमिलित कीजिए, तो सूर्य मंदिर कोणार्क का सूर्य मंदिर, हवा महल जयपुर, गोमतेश्वर मंदिर जो है
कर्नाटक, यहाँ पर दूसरा और सी का तीसरा, तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही होता है। नीचे देखते हैं आंसर। हाँ तो ए सही है यहाँ पर। तो सूर्य मंदिर है कोणार्क का, लिंगराज मंदिर है भुवनेश्वर, हवा महल जो है वो है जयपुर, और गोमतेश्वर जो है वो है कर्नाटक। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ए। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से सूर्य मंदिरों के लिए विख्यात है? तो ओंकारेश्वर, अरसवली, अमरकंठक और ओंकारेश्वर। तो यहाँ पर जो सही हो जाएंगे वो है केवल एक है, अरसवल्ली। अरसवल्ली जो है, इसकी व्याख्या देखते हैं क्योंकि ये नया प्रश्न है। अरसवल्ली मंदिर भारत के आंध्र प्रदेश में अरसवल्ली गांव में स्थित है। तो अरसवल्ली से आंध्र प्रदेश ये याद करने में बिल्कुल भी कठिन नहीं है, और ये 7वीं शताब्दी का प्रमुख सूर्य मंदिर है। तो अभी हमने गुजरात में मोढ़ेरा पढ़ा था, कोणार्क के उड़ीसा वाला पढ़ा था, और हमें ये कौन मिलता है, अरसवल्ली जो कि आंध्र प्रदेश में है, और वो भी 7वीं शताब्दी का सूर्य मंदिर है। यह माना जाता है कि यह मंदिर कलिंग राजवंश के शासक देवेंद्र वर्मन, कलिंग राजवंश के शासक देवेंद्र वर्मा ने द्वारा बनवाया गया था। ओंकारेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश में खंडवा जनपद में है। यह नर्मदा नदी के बीच बीच में स्थित है और मंदाता या शिवपुरी नामक द्वीप पर स्थित है। ये भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, मतलब यहाँ पर ज्योतिर्लिंग स्थापित है शिव की। अमरकंटक नर्मदा और सोन जोहिला नदी उद्गम स्थान है। यह मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित है। यह हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थान है। श्री जालेश्वर महादेव मंदिर अमरकंठक से 8 किलोमीटर दूर पर है और यह भगवान शिव को समर्पित है। तो क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि निम्न में से कौन सूर्य मंदिर है, तो यहाँ पर शिव नहीं पूछा है और सूर्य पूछा है, तो ये याद रखना है, क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़ना चाहिए। तो हो जाएगा अरसवल्ली जो कि आंध्र प्रदेश में है, और कलिंग राजा देवेंद्र वर्मा द्वारा बनवाया गया था। अगला है, दो सूचियां हैं और उसका मिलान करना है, तो नालंदा हो जाएगा विश्वविद्यालय, सारनाथ अशोक स्तंभ, सांची स्तूप, कोणार्क सूर्य। तो इस हिसाब से जो है 2-1-4-3, 2-1-4-3 बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला देखते हैं, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है? तो ये स्थित है सिंधु और झेलम नदी के, सिंधु और झेलम। तक्षशिला की स्थापना 7वीं शताब्दी, अभी ये 7वीं शताब्दी अभी हमने देखा, सूर्य मंदिर जो आंध्र प्रदेश में है वो भी 7वीं शताब्दी के लगभग बनवाया था कलिंग राजा ने। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में यहाँ पर तक्षशिला की स्थापना 7वीं या 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की है। यहाँ पर जो है ईसा पूर्व है, वो ईसवी था, ईसा पूर्व की है। जिस पहाड़ी पर तक्षशिला से पहले कस्बे की स्थापना की गई थी वो सिंधु नदी क्षेत्र में तमरा नाला के समीप स्थित है। ये है वर्तमान इस्लामाबाद से 30 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित है, जो सिंधु और झेलम नदियों के मध्य का क्षेत्र है। तक्षशिला हिंदूज राज्य की राजधानी थी और प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र के रूप में प्रसिद्ध थे। जो चाणक्य वगैरह हैं वो इसी विश्वविद्यालय में पढ़े हुए हैं। अगला है, चरक भी पढ़े हुए हैं, बहुत सारे हैं जो यहीं पर पढ़े हुए थे, मतलब उन्होंने अध्ययन यहीं से प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन है, सोनगिरी जहाँ 108 जैन मंदिर बने हुए हैं किसके सन्निकट स्थित हैं? तो ये है दतिया, दतिया एमपी में है। सोनगिरी दतिया मध्य प्रदेश 15 किलोमीटर दूरी स्थित है। ये दिगंबर जैनियों का पवित्र स्थान है। सोनगिरी के चारों तरफ सफेद जैन मंदिर स्थापित हैं। वर्तमान में यहाँ 77 जैन मंदिर पहाड़ी पर और 26 गांव में स्थित है। इस प्रकार इनकी संख्या जो है 103 है। पहाड़ी पर स्थित
57वां मंदिर मुख्य मंदिर है जो भगवान चंद्र प्रभु को संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन स्थल है, तो वो है मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है, तो वो ये है माउंट आबू राजस्थान में। और इसको बिमल बसेही मंदिर, बिमल मसीह मंदिर भी कहते हैं, और इनका जो निर्माण करता है वो बिमल बसेही है। और ये जो थे ये सामंत थे किसके, चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम के। अगला है, दिलवाड़ा जैन मंदिर है, तो ये है माउंट आबू अरावली पर्वत पर। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है, तो वो है राजस्थान में। प्रसिद्ध वीरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है, अवस्थित है, तो ये हो जाएगा हम्पी में। वीरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक राज्य के बंगलुरु शहर से 350 किलोमीटर दूर हम्पी में स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जो यहाँ वीरूपाक्ष के नाम से जाने जाते हैं, तो ये हो गया हम्पी में। नागर और द्रविड़ शैली है, नागर द्रविड़ और बेसर शैली है, तो यहाँ पर जो सही है वो है भारतीय मंदिर वास्तुकला की तीन प्रमुख शैली है। और संगीत घराने तो बिल्कुल नहीं, भाषाओं को विभक्त किया गया ये बिल्कुल नहीं है, तीन जाति समूह ये भी नहीं है, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी, नागर द्रविड़ और बेसर भारतीय वास्तुकला की प्रमुख तीन शैलियां हैं। नागर शैली समस्त उत्तरी भारत में प्रचलित है, उड़ीसा के मंदिर शुद्ध रूप से इसी शैली में बने हुए हैं। कौन सी, उड़ीसा के मंदिर जो हैं शुद्ध रूप में नागर शैली के बने हुए हैं। द्रविड़ शैली का प्रसार दक्षिण भारत में विशेषकर कृष्णा नदी और कुमारी अंतरीप के मध्य तमिलनाडु में हुआ है। बेसर शैली का विकास नागर और दोनों का ही समृद्ध रूप है, यानी नागर और द्रविड़ को कुछ कुछ अंश लेकर बनाया गया, तो वो है बेसर शैली। कन्नड़ प्रदेश में अंतिम चालुक्य शासकों द्वारा प्रयुक्त होने के कारण इस शैली को चालुक्य शैली भी कहते हैं। अगला है, भारत में सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किसे निर्दिष्ट किया गया है, तो मंदिर जो है मंदिर रचना शैली है वो है उसको पंचायतन कहते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। बद्रीनाथ कपूर द्वारा रचित बृहत प्रमाणिक हिंदू कोश के अनुसार पंचायतन एक पुल्लिंग शब्द है जो कि किसी देवता अथवा उसके साथ के चार देवताओं की मूर्तियों के समूह के लिए प्रयुक्त होता है, जैसे शिव पंचायत, राम पंचायत। बद्रीनाथ में मंदिर पांच मूर्तियां हैं जो बद्री पंचायत के नाम से प्रसिद्ध है। राजस्थान के उदयपुर में स्थित जगदीश मंदिर शिल्प कला की दृष्टि से अनोखा है। यह मंदिर पंचायत शैली का है, चार लघु मंदिरों से परिवृत होने के कारण इसे पंचायत कहा, पंचायतन, यहाँ पंचायत पंचायत नहीं है, पंचायतन कहा गया है। स्पष्ट है कि पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली को निर्दिष्ट किया जाता है करता है। अगला है, प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ निम्न जनपदों में से किस एक में उपस्थित है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा सीतापुर। प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में स्थित है। यहाँ महर्षि दधीचि ने देवताओं को अपनी अस्थियां दान दी थी, जिससे निर्मित वज्र द्वारा देवराज इंद्र ने दैत्यों का वध किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत की कला व संस्कृति के इतिहास के संबंध में कुछ युग्म पर विचार करने हैं, तो यहाँ पर फिर से दो सूचियां दी गई हैं और उसका मिलान मतलब बताना है कौन कौन सी सही है, तो चार ऑप्शन है, सूचियां नहीं दी गई हैं और यहाँ पर देखना है कि कौन सा सही है। तो सबसे पहले बुद्ध के महापरिनिर्वाण की एक भव्य प्रतिमा जिसमें ऊपर की ओर अनेकों दैवीय संगीतज्ञ तथा नीचे की ओर उनके दुखी अनुयायी दर्शाए गए हैं, यह है अजंता, तो बिल्कुल यहाँ पर सही है। प्रस्तर
पर उत्कीर्ण विष्णु की वराह अवतार की विशाल प्रतिमा, जिसमें देवी पृथ्वी को गहरे विशुद्ध सागर से उबरते दर्शाए गए हैं। तो ये वाली जो है वो विष्णु अवतार का है, और माउंट आबू में तो नहीं है, झांसी के दशावतार मंदिर जो है उससे संबंधित है ये, तो ये वाला गलत हो जाता है। विशाल गोलश्मों पर उत्कीर्ण अर्जुन की तपस्या गंगा अवतार, यह है ममल्लपुरम। तो यहाँ पर सही हो जाएगा, 1 और 3 सही है, सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। अगला देखते हैं, यहाँ पर व्याख्या देखते हैं। अजंता की गुफा संख्या 26 में, जो कि हमने पहला ऑप्शन पढ़ा था, वो गुफा संख्या 26 में है अजंता। बुद्ध के महापरिनिर्वाण की भव्य प्रतिमा स्थित है, जिसमें नीचे की ओर उसके दुखी अनुयायी तथा ऊपर की ओर स्वर्ण में स्थित देवियों आकृतियां प्रसन्न मुद्रा में दिखाई गई हैं। मध्य प्रदेश में स्थित उदयगिरी की गुफाओं में ऐसी ऐसी प्रतिमा स्थापित है, जिसमें वराह अवतार को भूदेवी को गहरे विक्षुब्ध सागर से उबरते हुए दिखलाया दर्शाया गया है। विशाल गोलाश्मों पर उत्कीर्ण अर्जुन की तपस्या गंगा अवतार को प्रदर्शित करती है, और यह प्रतिमा जो है ममल्लपुरम में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है। भारत में कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक का सबसे पहले निर्माण किया गया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है धौली स्थित शैलकृत हाथी। यहाँ पर व्याख्या देखते हैं। भुवनेश्वर स्थित लिंगराज मंदिर नागर शैली में बना है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर का मुख्य मंदिर 7वीं शताब्दी में लाला टेडू केशरी ने बनवाया था, जबकि इसके वर्तमान स्वरूप का निर्माण जजाति केशरी ने 11वीं शताब्दी में करवाया था। धौली स्थित शैलकृत हाथी निर्माण 3री शताब्दी पूर्व मौर्य सम्राट अशोक के समय हुआ था। महाबलीपुरम स्थित शैलकृत स्मारक का निर्माण पल्लवों के शासनकाल में 7वीं शताब्दी में हुआ था, जबकि उदयगिरी में स्थित वराह मूर्ति का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। अतः स्पष्ट है कि दिए गए विकल्प में सबसे पहले धौली स्थित शैलकृत हाथी का निर्माण हुआ है। तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। अब हम जो अगला वीडियो आएगा वो है दक्षिण भारत, यानी कि जिसमें चोल चालुक्य पल्लव और संगम युग की हम बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।